दोस्तों मैं मूवी देख के अभी भी बाहर निकला हूँ। मूवी शुरू होने से पहले मुझे एक डर था कि कहीं यार मूवी में मुझे पता तो है क्या होने वाला है, कि आयुष्मान खुराना हेजिटेट करेंगे गायनोकोलॉजिस्ट बनने में और धीरे धीरे ओवरकम कर जाएंगे और उनको रियलाइज़ होगा कि गायनोकोलॉजिस्ट इज ऑल्सो सच एन इम्पॉर्टेंट डॉक्टर। तो वो तो पता था कि वो होना है। आयुष्मान खुराना जो शुरू में सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं और एंड में उनकी जर्नी कम्प्लीट होगी, वो हम सबको पता था ट्रेलर देख कर ही। लेकिन उसके ओवर एंड अबव हमें क्या देखने को मिलेगा, वो जर्नी थ्रू आउट इंटरेस्टिंग रहेगी या एक के बाद आके रिपीटेटिव सीन स्टोरी बीट्स रिपीट होने लगेंगी कि आयुष्मान को सेम लर्निंग मिल रही है, वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो वो मेरा डर था। थैंकफुली वैसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि जो प्लॉट है वो आगे बढ़ता रहा और स्टोरी आगे प्रोग्रेस भी होती रही और उनका जो लर्निंग था वो बहुत वेल डिजर्व लगा। उन्होंने बस ऐसा ही नहीं कि किसी ने उनको कुछ एडवाइस दे दी एंड में या फिर कुछ डायलॉग जो है प्रीची डायलॉग उनको किसी मेंटर ने सुना दिया तो वो सीखे, वो सब कुछ कर करके सीखे और जो जो कर करके सीखे वो बहुत इन डेप्थ दिखाया जो गायनेकोलॉजिस्ट की डेली लाइफ में जो अलग अलग चैलेंजेस अलग अलग केसेस आते हैं वो बहुत खूबसूरती से दिखाया, जिससे एंड में जब आयुष्मान खुराना चेंज हुए तो हमें बहुत वेल डिजर्व लगा कि हाँ ये सब होने के बाद तो हमारे प्रोटैगनिस्ट को चेंज हो ही जाना चाहिए। मूवी की खास बात ये भी थी कि जो एक्सटर्नल गोल था और इनर गोल था वो आपस में टाइट थे। इनर गोल क्या था कि उनको वुमेन को एक बेटर अंडरस्टैंड करना था। वो कभी भी जो है औरतों को अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी माँ को इतना अच्छा समझते नहीं हैं और एक्सटर्नल गोल था एक गायनेकोलॉजिस्ट बनना। तो एक्सटर्नल गोल के कंप्लीट होने से उनकी इनर जर्नी भी कंप्लीट हो रही थी। तो कभी भी मूवी ऑफ ट्रैक नहीं जाती है और जितने भी अलग अलग कैरेक्टर्स हैं चाहे वो शिफाली शाह का हो या रकुल प्रीत का हो या उनकी मदर का हो या उनका एक जो फ्रेंड है उनका हो, वो सारे आपस में इतने खूबसूरत अलग अलग प्लॉट्स थे। सबकी अपनी अपनी एक लाइफ थी लेकिन वो प्लॉट बी सी डी जितने भी थे वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे प्लॉट ए को, जो कि था हमारे मेन हीरो का आयुष्मान खुराना का प्लॉट, उनकी जर्नी का प्लॉट। तो कभी भी जब और प्लॉट्स के बारे में दिखाते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि यार मूवी ऑफ ट्रैक हो गई है, अभी कुछ और दिखाना शुरू हो रहे हैं। उनके एक एल्डर ब्रदर का भी है जो एंड में कॉम्प्लिकेटेड उनका केस बन जाता, तो सारे कॉन्ट्रीब्यूट आयुष्मान खुराना की लर्निंग में ही उनके कैरेक्टर आर्क में ही करते हैं। तो मूवी आगे बढ़ती रहती है तो हमें ऐसा नहीं लगता कि यार ये रिपीटेटिव हो रहा है, सेम डोज सेम लर्निंग आयुष्मान खुराना ले रहा है। और बहुत ही इनडेप्थ कैरेक्टर्स दिखाए, जितने भी दिखाए उन सबकी एक जर्नी थी, सबकी एक कॉम्प्लिकेशंस थी और जो एक लव एंगल था उसमें भी थोड़ा सा जो हम क्लीशे एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा नहीं होता, कुछ और होता है, वो मैं सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो ओवरऑल आई थिंक जो डायलॉग्स थे वो भी बहुत ही खूबसूरती से, उसमें एक सबटेक्स्ट भी था, एक बहुत सॉफ्ट लाइट हेडेड डायलॉग से, बहुत हैवी नहीं थे, बहुत ज़्यादा प्रीची नहीं थी मूवी। बीच में जहाँ जहाँ ज़रूरत थी स्ट्रॉन्ग पंच लाइन्स की वो सब भी आती है, लेकिन इट वॉज अ मूवी अबाउट शोइंग एंड नॉट टेलिंग। ऐसा नहीं कि कोई किसी को ज्ञान दे रहा है और बस वो आयुष्मान खुराना ने सीख लिया, वो सब उन्होंने अपने करने से सीखा। तो वो बहुत नेचुरल प्रोग्रेशन रहा स्टोरी का और डायलॉग्स बहुत ही मज़ेदार थे, सुन के एक स्माइल रहती है और आपको बिटर स्वीट इमोशंस रहते हैं एंड में थोड़ा सा। मैं तो डेफिनेटली इमोशनल भी हो गया था, कुछ कुछ ऐसे सीन आ गए थे। तो ओवरऑल मेरी तरफ से ये मूवी बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगा, आप जाकर थिएटर में देखकर आइए। और अगर आप इस मूवी को पसंद ना करें बाई चांस तो आप बिल्कुल भी मेरे रिव्यूज़ आगे से नहीं देखा करिए, क्योंकि आपका और मेरा फिर शायद थिंकिंग और जो मूवी को जज करने का तरीका है वो अलग अलग है। तो आप मेरा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब भी किया हो तो आप अनसब्सक्राइब करें, क्योंकि आप किसी और को सुने जिनसे आपके मैच करते हैं। लेकिन मैं आपको काफ़ी हद तक शोरूँ की है मूवी आपको छू जाएगी, आपको टच करेगी इसके सारे पॉइंट्स। और अच्छी बात यह भी थी कि खाली मूवी 2 घंटे की थी, ऐसा नहीं था कि इसमें बहुत सारे गाने भर दिए हों या फिर ज़बरदस्ती के कॉमेडी सीन्स जो हम आम तौर पर देखते हैं बॉलीवुड मूवीज़ में जो कमी रह जाती है, वैसा कुछ नहीं था। ऑन पॉइंट मूवी थी, हर एक सीन जो है पर्पस सॉल्व कर रहा था और बहुत ही नेचुरल प्रोग्रेस कर रहा था। अगर ये मूवी शायद 2.5 घंटे की बनाने की कोशिश करी होती इन्होंने या 2.75 घंटे की, 3 घंटे की, तो डेफिनेटली ख़राब हो जाती। मुझे बहुत अच्छी लगा ये बात, हम बहुत कम देखने को मिलता है बॉलीवुड में कि खाली 2 घंटे की मूवी थी, जिससे मूवी में फालतू कुछ एलिमेंट्स डालने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी। जो उन्होंने दिखाना था वो सही स्पीड पे सही टाइम पे दिखा पाए और वो जैसे ही उसकी इनर जर्नी कंप्लीट होती है प्रोटैगनिस्ट की, कहा जाता है कि तब मूवी ख़त्म हो जानी चाहिए विदिन 5 मिनट्स, तो वो हो भी जाती है। तो मैं डेफिनेटली मूवी रिकमेंड करूँगा आपको, आप जाइए
जितनी भी आयुष्मान खुराना की हमने पहली मूवीज़ देखते हैं हम, जो कि बहुत फैमिली मूवीज़ होती हैं, उसमें एक लर्निंग भी होता है, एक ब्रॉड माइंडेड कल्चर, ब्रॉड माइंडेडनेस भी एक प्रमोट होती है, वो बिल्कुल वैसी ही मूवी है ये। तो आप, इट इज़ अ फैमिली एंटरटेनर, आप जरूर डेफिनेटली जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर बजा देना, ताकि आपको मेरे चैनल की वीडियोस जो हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप शेयर भी कर सकते हैं आगे, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आता है, और अगर आपको ये मूवी बाई चांस ना अच्छी लगे तो डेफिनेटली मुझे फॉलो मत करना। मिलते हैं अगले रिव्यूज़ में, टेक केयर, गुड बाय।